Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम खबर आपको ला रहे हैं राहुल गांधी की, जहां पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है एज लोकसभा एमपी, यानी कि अब एमपी नहीं रहेंगे। वायनाड से वो जीत कर आए थे पर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। डिस्क्वालीफाई इसीलिए किया गया है, उन्होंने एक टर्म यूज किया था 2019 के इलेक्शन के बिल्डअप में मोदी के सरनेम को चलते। उन्होंने कहा कि सब नाम जो मोदी के जो रहते हैं वो चोर रहते हैं, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। तो मोदी के ऐसे ही नाम के जुड़ते हुए लोगों ने एक स्पेशल एक कोर्ट के थ्रू सूरत के अंदर ये फाइल किया गया था केस, और उसी को चलते हुए उन्हें अब गिल्टी पाया गया। अब ये काम ये कर सकते हैं, हाईकोर्ट को अपील कर रहे हैं और इस पर आगे चर्चा क्या होगी वो देखते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी को खामोश बिठाने के लिए, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से दूर करने के लिए, आम जनता की आवाज नहीं बनने के लिए उन्हें इस पर इस तरह का एक्शन लिया गया है। कर्नाटक से आपको खबर हम ला रहे हैं, जहां पर सिद्धरामैया ने आज एक शख्स पर हाथ उठाया। जी हां, उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी, लोगों की डिमांड कर रहे थे एक पार्टी एमएलए के लिए टिकट। उसी को चलते हुए वहां हरिहर के एमएलए एस रामप्पा के सपोर्टर्स वहां पर जमा हो गए थे। जैसे घर से बाहर निकले तो उन्हें धक्कम धक्की लगी, उसमें से एक को उन्होंने चाटा भी मारा। कर्नाटक ने स्क्रैप कर दिया है 4% मुस्लिम कोटा, अब ये 2 कम्युनिटीज में शेयर किया जाएगा। बसवराज बोम्मई की सरकार, बीजेपी सरकार ने ये स्टेप लिया है, जहां पर 2 न्यू कैटेगरीज बनाए हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स और एजुकेशन के लिए। 4% कोटा जो रखा गया था अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी यानी मुस्लिम्स के लिए, उसे अब निकाला गया है एक महीना पहले। जी हाँ, आप जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी रूल स्टेट के अंदर 4% ओबीसी मुस्लिम कोटा था, अब डिवाइड किया गया है वोकलिगास और लिंगायत में। मुस्लिम एलिजिबल फॉर कोटा हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस नाउ। द डिसीजन हाउएवर पुशेस रिजर्वेशन परसेंटेज इन कर्नाटका इज ऑलरेडी ओवर 50% कैप इम्पोज बाय द सुप्रीम कोर्ट। अलशरीफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट्स गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी, अलशरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरे टॉवर्स एमएस मिल रोड, अलशरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अलशरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी, हैप्पी डेज पब्लिक स्कूल बिहाइंड अग्रवाल सुपर बाजार ओल्ड ज्वेलरी रोड। अमित शाह आ रहे हैं कर्नाटक में संडे के रोज। जैसे कि आप जानते हैं कर्नाटक में इलेक्शन हैं और इसी को चलते हुए कई सारे अहम मीटिंग्स के लिए अमित शाह की बहुत सारी राउंडिंग में से एक और राउंड है, जहां पर संडे के रोज वो आ रहे हैं। कई सारे प्रोग्राम्स हैं, कई सारे लॉन्च भी स्टैचूज भी वहां पर करने वाले हैं और बीएस येडियुरप्पा के साथ उनका ब्रेकफास्ट भी होने वाला है, इस तरह की खबर आ रही है, और आसपास की कई सारे जगहों पर भी हो जाने वाले हैं। साथ साथ अमित शाह ये देखने वाले हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ 9,298 किलोज ऑफ सीज ड्रग्स, जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं वो ड्रग्स यानी कि 1,235 करोड़ वर्थ ड्रग्स को जो जलाने का जो तरीका है, किस तरह से जलाए जाएंगे वो भी वहां पर देखने वाले हैं। एंटी ड्रग्स डे के दिन पे इस तरह के काम किए जाते हैं, वैसा ये मामला नजर आ रहा है। गुड़वा डिस्ट्रिक्ट से हम खबर ला रहे हैं, जहां पर अलन तालुका के नेलूर में फाउंडेशन सेरेमनी रखी गई थी मदीना मस्जिद की, और साथ वहां पर मदरसे की, जहां पर जनाब सैयद अली अल हुसैनी साहेब जादनशीन सज्जादनशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की सुराज रहमतुल्लाह अलैह, और साथ जनाब अफजलुद्दीन जुनेदी और सिराज बाबा सज्जादनशीन शेख दक्कन यहां पर मौजूद रहे, और इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस मस्जिद की ताउन के लिए आप ज़रूर स्क्रीन पर नंबर को फॉलो कर सकते हैं। मेयर की गर्मा गर्मी चल रही थी, मेयर हालांकि आप बन चुके हैं विशाल दर्जी जी, उन्होंने आज चार्ज लिया है, और उन्होंने साथ साथ डिप्टी मेयर का चार्ज लिया है शिवानंद पिस्ती जी ने, और कई सारे बीजेपी के लीडर्स यहां पर मौजूद रहे और एंटायर बॉडी भी यहां पर मौजूद रही। खास बात उन्होंने ये बताई कि हर दिन वो 3 अलग अलग वार्ड्स को घूमेंगे और हर साथ अलग अलग काम भी वो करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि डेवलपमेंट वर्क्स को गुलबर्गा को स्मार्ट सिटी बनाने का जो ख्वाब है वो उन्हें वो पूरा करेंगे। कृष्णा रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कूड़ा चेयरमैन को एड्रेस किया और कहा डीसी साहब से कि इमीडिएटली एक्शन ले, क्या इनकी डिमांड है आइए सुनते हैं। डीसी साहब और चंबर नल्ले नम एदुरा जीडे कमिश्नर दयानंद पाटील गे कॉल माडि इमीडियेट अदु मीटिंग इवत्तु आक्ट इदे ई कानून आक्ट विरुद्ध होगोदिल्ल अंत डीसी साहेबरु ई आक्ट गे रेस्पेक्ट माडि।
जेडीएस पार्टी में कृष्णा रेड्डी, इम्तियाज सिद्दीकी और अफजाल महमूद ने लगाया आरोप अलीम पटेल जेडीएस कॉरपोरेटर और डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी प्रेसिडेंट पर। कहा कि इन दोनों की गैर मौजूदगी की वजह से मेयर कांग्रेस जेडीएस के बीच नहीं बना है और बीजेपी पार्टी ने इस पर मेयर डिप्टी मेयर पर कब्जा जमाया है। आइए सुनते हैं। अलीम पटेल साहब मेरे को खुद फोन करके बोले माता जी को डिप्टी मेयर कैंडिडेट आप नॉमिनेशन करो, मैं आ रहा हूँ, आप साथ देंगे बोल के। आज अलीम पटेल उसके जिम्मेदार है। आज मेरी माँ अगर हारने का कारण जो है अलीम पटेल क्यूपी फैमिली उसका जिम्मेदार है बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। आज दूसरा दिन है अलीम पटेल गुरबंगा से गायब है। कौन किया, क्या उसका किडनैप हुआ? आपने ये वादा किया था कि मैं कौम की खिदमत करूंगा, नालियां साफ करूंगा, रोड बनाऊंगा, लाइट लगाऊंगा बोल के, शादी खाने उनके लीगल कर लूंगा बोल के आपने खत्म नहीं खाई थी। हमारे जो प्रेजेंट जो कॉर्पोरेटर जो उन्होंने आज बीजेपी के फेवर में जाके आज उन्होंने एब्सेंट हो गए, उनको आज उम्मीद दिए थे बीजेपी वाले काम करने के लिए। रमजान की स्पेशल आपको हम अपडेट्स भी देते हैं जहां पर अलग अलग होटल्स और अलग अलग जगहों पर क्या क्या मामले चल रहे हैं। और रमजान स्पेशल में आपको मिल रही है मटन दलीम जो है अरेबियन एम्पायर होटल बसो कल्याण की। जी हाँ, बसो कल्याण से यहाँ तक आपके लिए आपका प्यार उन्हें यहाँ पर लेकर आया है अरेबियन एम्पायर होटल, जो आपको मिलेगी मकबरा मस्जिद के बिल्कुल करीब में ये स्टॉल उन्होंने लगाया है, जरूर वहाँ पर विजिट करिएगा। बुलेटिन में हम रोज इंक्लूड करेंगे ये सहर एंड इफ्तार टाइमिंग का स्केड्यूल। सहर तो आपने कर ली होगी, इफ्तार की टाइमिंग आज की है 6:41। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। बस आप चलते रहें, अपना काम करते रहें, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचते जाएगी। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हर जुमरा सर्विसेज नियर पाकिजा अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप दरगाह रोड गुलबेका। इस बार रमदान आप मना सकते हैं मदीना में, डिलक्स उमरा पैकेजेस मौजूद हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स में आज बात कर रहे हैं हम फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपको हमने कल भी बताया था, आज हम बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें वेट लॉस, हील डाइजेशन प्रॉब्लम्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, स्लो डाउन एजिंग, बूस्ट इम्यून सिस्टम, ग्रोथ हार्मोन अप, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज फोकस। यदि फोटो में शटर स्टॉक का वाटरमार्क करा सो है वो नीचे काट दे। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय विला रेस्ट्रो मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट ऑन हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अशरफ हुसैन का, लिखा अस्सलाम वालेकुम दारवी पहली शहरी की मुबारक बात को। शोएब भाई लिख रहे हैं सैल्यूट टू भाई भाई ग्रुप। शाह सोहवर्ती ने काफी बड़ा कोट लिखा है, मैंने प्रॉमिस टर्न्स इनटू सॉरी एंड सॉरी टर्न्स टू गुड बाय देन गुड बाय लीड्स यू टू बिकम स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर विद मेमोरीज एंड मेमोरीज टर्न्स यू टू द मोस्ट पेनफुल यू वांटेड टू फॉरगेट। फहद अली लिख रहे हैं एंड ऑफ मुस्लिम लीडरशिप नियर गोलपुर असेंबली वी आर नॉट यूनाइटेड। मोहम्मद गयासुद्दीन गुलबर्गा में बीजेपी मकसद पूरा हो गया है। सलीम अलवी ने सलाम लिखा है, मोहम्मद शकील ने सलाम लिखा है, मोहित पटेल ने सलाम लिखा है, मोहम्मद शाहिद अहमद ने लिखा कांग्रेस जेडीएस की गलती से बीजेपी बनी। मिस्टर एम डी जे लिख रहे हैं रमजान मुबारक तारबैसन गोहैश टीम को थैंक यू। सैद अली लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कल वोटिंग में नहीं थे और नासिर उस्ताद अपने कॉर्पोरेट अलीम पटेल को वोटिंग में ला नहीं सके, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहम्मद शाहिद अहमद लिखे साहब बोलते हैं मैम जिम्मेदार, बल्कि आप कौन है जिम्मेदार अभी मालूम पड़ा बीजेपी कितनी वजह से कांग्रेस क्या जेडीएस क्या, लिख रहे हैं मोहम्मद शाहिद अहमद। वी ने सलाम लिखा है, रमजान मुबारक लिखा है, मोहसिन खान ने रमजान मुबारक लिखा है, सैयद आसिम ने भी मुबारकबाद लिखी है, इमरान ओएच ने मुबारकबाद दी है। उमेर नुमा लिख रहे हैं कॉर्पोरेशन मेयर एंड डिप्टी मेयर पर बीजेपी का कब्जा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? आज भी आप वीडियो देखें आप कृष्णा रेड्डी का तो आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा। ताज लतफ लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। अमजद व्लॉग लिख रहे हैं कलबुर्गी कॉर्पोरेशन मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी अभी कमजोरी है, गया गुलबर्गा लिखना चाह रहे हैं। मोहम्मद जैनुद्दीन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अदब आदाब आप सभी को रमजान मुबारकबाद, लिखे हैं मोहम्मद हबीब ने सिटी कॉर्पोरेशन में बीजेपी को क्लियर मैसेज जाता है कि कांग्रेस भी धोखेबाज है और जेडीएस भी धोखेबाज है। अब्दुल खान ने भी मेयर का इलेक्शन पे कमेंट किया है, गुलबर्गा मेयर सेलेक्ट आफ्टर लॉन्ग प्लान इंटेंशनल डिले एंड नॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनेस्ट एंड फेयर मीडिया टू गेट देयर मंथली रिपोर्ट कार्ड, आई होप गोहैश विल डू दिस। एब्सोल्युटली अब्दुल खान साहब आपके कमेंट को पढ़कर बहुत ही खुशी हुई और जरूर हम जरूर जो है कॉर्पोरेशन के साथ जुड़े रहेंगे और आप तक अपडेट देते रहेंगे। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं।
हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Suits and Sherwanis.